चलिए आज की इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, बहुत ही जल्दी कौन आपको कॉन्टैक्ट करने वाला है। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपके इंटरव्यू जहाँ कहीं अगर आपने इंटरव्यू दिया हो तो वहाँ से आपको कोई कॉन्टैक्ट कर सकता है, या फिर आपका कोई ओल्ड फ्रेंड आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, या फिर आपका कोई लवर आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो देखते हैं कि बहुत ही जल्दी आने वाले समय में कौन आपको कॉन्टैक्ट करने वाला है। Who is this person who is going to contact you soon? Who is this person who is going to contact you very soon? One card, please. Oops. देखिए, we have six of cups card. Definitely ये person या तो आपके कोई बचपन की related memory, यानी आपका कोई बहुत बचपन का friend हो सकता है, आपका कोई चड्डी बड्डी आपका आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, या आपके ब्रदर या सिस्टर, ठीक है, आपके ब्रदर या सिस्टर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और या फिर ये पास्ट लाइफ लव, आपका कोई लव कनेक्शन, पास्ट लव कनेक्शन भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड, इट वॉज अ वेरी रैंडम रीडिंग। मैं जस्ट जानना चाहती थी शायद किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये रीडिंग है, इसीलिए मेरे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया। तो आप देख सकते हैं सिक्स ऑफ कप्स कार्ड है, कोई ऐसा व्यक्ति, सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, या फिर आपकी कोई बहुत पुरानी सहेली आपको कॉन्टैक्ट कर सकती है, या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो आपको बहुत सपोर्ट करता है, जो आपको बहुत प्यार करता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको इस समय में कोई हेल्प ऑफर करना चाहता है, या कुछ तो ऑफर करना चाहता है, कोई हेल्प ऑफर करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति आपसे इस समय में कॉन्टैक्ट कर सकता है। बहुत ही जल्दी ऐसा व्यक्ति आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप अगर किसी व्यक्ति से हेल्प की उम्मीद कर रहे थे, सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि कोई आकर आपको हेल्प कर दे, मदद कर दे, तो ऐसी हेल्प आपको डेफिनेटली प्रोवाइड की जाएगी। या आप किसी को बहुत दिल से याद कर रहे थे कि काश इस समय में ये व्यक्ति मेरे साथ होता तो मैं इसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता, एक्सपीरियंस शेयर कर लेती, या इसके साथ मैं बातचीत करके अपना मन हल्का कर लेती, या ये मेरे काम में मेरी हाथ बटा देता, मेरी मदद कर देता, या फिर ये किसी न किसी तरीके से मेरे साथ समय बिता सकता। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दिल से याद कर रहे होंगे तो ये व्यक्ति आपको डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में आपको कॉन्टैक्ट करने वाला है। और बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास फूल कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, और ये भी पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति, आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो इस व्यक्ति के साथ में आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कुछ नया काम शुरू करने जा रहे हो जो कि आपके लिए ठीक ना हो, तो ये व्यक्ति आपको वार्निंग देने के लिए या आपको रोकने के लिए भी आ सकता है। डिपेंड करता है अलग अलग लोगों की सिचुएशन के लिए अलग अलग है। अगर आप किसी चीज़ किसी गलती को रिपीट करते जा रहे हैं, बार बार कोई एक ही गलती करते जा रहे हैं, तो आपको कोई पुराना सोलमेट, आपका कोई फ्रेंड और आपका कोई वेल विशर आपको इस समय पर रोकने के लिए आ सकता है, आपको सही गाइडेंस देने के लिए भी आ सकता है। तो आपके कोई भी व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति आपको कॉन्टैक्ट करे जो आपका वेल विशर हो, और अगर वो आपको कोई राय दे, कोई सलाह दे, खास तौर पर किसी न्यू बिगनिंग को करने से पहले वो आपको सलाह दे, तो उसकी राय को आप जरूर से मानिएगा। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी हमारे पास में, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एक महीने के अंदर अंदर ये व्यक्ति आपको कॉन्टैक्ट करेगा, तो आप टाइम नोट कर लीजिए, मोस्ट पॉसिबली ये व्यक्ति आपको कॉन्टैक्ट करने वाला है। देखते हैं, और या तो ये आप ही के लिए हो सकता है, या किसी और दूसरे ग्रुप के लिए हमारा नेक्स्ट मैसेज हो सकता है। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर में कौन आपको कॉन्टैक्ट करने वाला है। वाव, सिक्स ऑफ वैंड, वी हैव विजय, विक्ट्री का कार्ड है हमारे पास यहाँ पर, एंड वी हैव टावर कार्ड हियर, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हियर, वी हैव टेन ऑफ कप्स कार्ड, टेन ऑफ पेंटेकल्स कार्ड, एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने अपनी लाइफ से कटआउट कर दिया था, निकाल दिया था, और जिस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन पहले खराब, ये किसी और दूसरे ग्रुप के लिए भी हो सकता है,
या किसी और व्यक्ति के लिए भी आपके लिए मैसेज हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपका रिलेशन पहले खराब हो गया था, आपने खुद उसको अपनी लाइफ से कट आउट कर दिया था, निकाल दिया था और ये व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया था या आपने खुद इसको छोड़कर जाने में मजबूर कर दिया था, ऐसा व्यक्ति टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वांड्स, ऐसा व्यक्ति आपके साथ पैचअप करने के लिए, अपनी लड़ाई को खत्म करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए आपके पास में आ सकता है। या आपका कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, या आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या आपके ब्रदर या सिस्टर भी हो सकते हैं, जिनके साथ अगर आपकी पहले लड़ाई हो गई हो तो ये लड़ाई खत्म हो सकती है और ये आपकी दिशा में वापस आ सकते हैं, आपके पास वापस से आ सकते हैं और आप फिर से इनके साथ गुड टर्म्स एंड कंडीशंस पर आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वन मोर सेट ऑफ कार्ड्स, इन नियर फ्यूचर कौन व्यक्ति आपके तरफ आने वाला है, इन नियर फ्यूचर कौन व्यक्ति आपकी तरफ आने वाला है। ये वाला जो फैमिली मेंबर्स आप देख रहे हैं, ये 10 हफ्तों के अंदर अंदर यानी आने वाले 2.5 महीनों के अंदर अंदर ये फैमिली मेंबर जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई है या जिसके ने आप जिसको आपने कटआउट कर दिया था, 2.5 महीने के अंदर अंदर ये आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है और इसके साथ आपकी लड़ाई खत्म हो सकती है। देखते हैं नियर फ्यूचर में कौन आपकी तरफ आने वाला है, नियर फ्यूचर में कौन आपकी तरफ आने वाला है। बहुत सारे कप्स, फिर भी देखिए अगेन वी हैव टू ऑफ कप्स कार्ड, अगेन वही बात है, कोई ना कोई लव कनेक्शन, फाइव ऑफ वैंड्स कार्ड जिससे आपकी लड़ाई हो गई थी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा था, जो आपको इक्वल रेस्पेक्ट नहीं दे रहा था, जो आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से आपकी इससे लड़ाई हो गई थी, उस व्यक्ति के साथ में आपका जो बैड साइकिल चल रहा था, लड़ाई करना, झगड़ा करना, सेपरेट होना, नो कॉन्टैक्ट मिलना, इस साइकिल पर क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को कटआउट किया, अपनी लाइफ से निकाला, तो अब आपका जो साइकिल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न करेगा एंड एट ऑफ एंड, तो ये व्यक्ति कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए डेफिनेटली आपके पास में रिटर्न बैक होकर आने वाला है। तो यहाँ पर इस रीडिंग में हमने तीन सिचुएशंस देखी, तीनों ही सिचुएशंस में हमको जानने को मिला कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम, फैमिली मेंबर, फ्रेंड या कोई बहुत ही अच्छा आपका सहयोगी आपके पास रिटर्न होने के लिए आ सकता है, आपकी लड़ाई ख़त्म हो सकती है, आपको हेल्प ऑफर की जा सकती है, आपकी नो कॉन्टैक्ट की स्थिति कॉन्टैक्ट की और कम्युनिकेशन की स्थिति में बदल सकती है। एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव एम्प्रेस कार्ड, तो आप यू हैव द अपर हैंड, आपके पास इस समय में पावर है, आपके पास इस समय में हाई वाइब्रेशन है, यू आर इन हाई वाइब्रेशंस, आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में हो, आप यदि किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट करोगे इस समय में तो वो आपकी तरफ रिटर्न बैक होकर आ सकता है, वो आपकी स्ट्रेंथ, आपके करेज को और आपके प्यार को सराहने के लिए, फिर से पैचअप करने के लिए आपकी दिशा में आ सकता है, पुराने झगड़ों को निपटारा करने के लिए, पुरानी बैड साइकिल्स को खत्म करने के लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, आपको हेल्प ऑफर करने के लिए और आपको इक्वल लव, इक्वल रेस्पेक्ट देने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई व्यक्ति आपके पास जरूर आएगा। 1 महीने से 2.5 महीने के बीच के समय में ये परिवर्तन आपकी जिंदगी में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो ये है माइंडफुल जर्नी का वुमेन एम्पावरमेंट 10 डेज वर्कशॉप। अगर आप एक हैप्पी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं और एक अबंडेंट माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे कि कैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जीता जाए, कैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए, वर्क प्रेशर को हैंडल किया जाए और हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस और हेल्थ इश्यूज से कैसे निपटा जाए। तो इस वर्कशॉप में होंगे वीडियो लेक्चर्स, मेडिटेशंस, अफर्मेशंस, इंटरैक्टिव टॉक्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, बहुत सारी फन एक्टिविटीज और इसके अलावा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी। तो ज्यादा देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, अगर आप एक होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंट माइंडसेट चाहते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं तो 10 दिन की इस वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप को जो कि अप्रैल में होने वाली है ज्वाइन कीजिए और अपनी सीट का रजिस्ट्रेशन कीजिए आज ही। चले पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चले पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का।
का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए।